अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। ले आई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू व्लॉग। और जी आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही थी रात के टाइम से, और शुरू में आप लोग कह रहे होंगे आज फास्ट फूड दिखा रही है कहाँ रात को जाके करते है। ये रात से व्लॉग शुरू किया ना, तो इसलिए स्टार्ट में आप लोगों को नजर आ रहा है। तो हम लोगों ने ना रात को ऑर्डर करवाया था पिज्जा वगैरह। आज हमने कहा किसी डिफरेंट जगह से जो है ना ट्राई करते, ज़्यादातर यहाँ का मैनहट्टन का ही खा रहे हैं। तो ये ना यहाँ पे कोई इसी एरिया में कोई अलमाइदा था, वहाँ का पिज्ज़ा था ये, तो डिफरेंट था। रियल अलमाइदा का तो ऐसा नहीं होता। और बाकी जिंगर बर्गर बड़ी देर बाद मैंने खाया, मतलब कि ना सिंपल जिंगर बर्गर नहीं खाती थी मैं, अब ज़्यादातर वही KFC के बर्गर हम खाते थे। तो काफ़ी देर बाद खा के ना अच्छा लग रहा था, अगर बार बार खाओ फिर नहीं मज़ा आता। तो खैर जी यहाँ पर अब जो है ना नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। पुका लेने जा रहे, पुका पुका वी आर गोइंग टू फाइंड पुका। मुझे लगा बहुत आगे जाना है। सो यहाँ अभी टाइम हो रहा है कोई 4:30 का, और इस टाइम इतनी फोग हो चुकी है ना इधर बहुत ज्यादा। अच्छा यहाँ पे ना हम छोटे होते आते होते थे, यहाँ शलजम लगे होते थे, खीरे वगैरह ऐसी चीजें। फिलहाल यहाँ पे पुके लहसुन है आई थिंक, ये हाँ हरा लहसुन है। उतार लो, किसका इंतजार है, किसका मान नहीं रही कि यही है हरा लहसुन। फिर हम आगे चलते हैं। मूला इन्हों नू दस में तेरी पक्की पक्की। ये तो बहुत रिस्की जगह है वो मूलिया, और वो ही है फूके, और तो कोई नहीं फूके होती, उन्हें ही फूके कहते हैं। वहाँ पे से माँ फूका कट रही है। ऐसा एक्सपीरियंस हो रहा है, भूखे इतनी काफी है, इतनी भूखे काफी है। बाबा भूखे हैं, इसको हरा लहसुन है आई थिंक, सो हरा लहसुन कर कर। तो अब हम अंदर आंटी को जाके दिखा देते हैं, बहुत ठंड लग गई है मुझे। और जब यहाँ पे रात का टाइम हो रहा, तो हमने कहा कि आज ना खाला की तरफ चलते हैं। मतलब मैंने क्या कहा, सीमा भी नहीं जान छड़ रही थी, कह रही थी मैं घर आके रहो। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, आज तुम्हारी तरफ चलते हैं। तो मैं इसके घर आ गई थी 2 दिन रहने के लिए। सो अभी हम यहाँ पे बर्ड देखने आए हैं। सो सीमा भी उसके बारे में जरा हम इंट्रो दो। ऑल फिंचेस, सारे फिंचेस है। अच्छा डिफरेंट है, वो गोल्डियन फिंचेस है। आप लोगों को बारे में एक्सप्लेन करो, मैंने एक चीज देखी थी ये ऊपर, ये टेम्परेचर लगाने के लिए तक मेंटेन रहे, ज्यादा टेम्परेचर ना हो। यहाँ से मैं कैसे गुजरूं, कि तुम लेके जाके इधर करो गाइड। जल्दी इस वक्त मजीद डर रही है। ये तो खुले थे, मुझे बताती तो सही है। रिदा को डरता हूँ जा रही है। मुझे निकालो यहाँ से सिमाओ। अच्छा जो ये स्पैरोस की एक किस्म है ना, तो अगर कोई ये रखना चाहे तो उनको क्या करना चाहिए एहतियात के तौर पे, थोड़ा उन्हें गाइड करो। सर्दियों में इनका टेम्परेचर रहना चाहिए 19 से लेकर 21 या 22 तक तो होना चाहिए। अच्छा 23 से भी ऊपर जाए, लेकिन 30 या 29 से ऊपर ना जाए। ओके क्योंकि अगर आप सारी रात हीटर चला के रखे ना, तो दे कैन डाई। लिमिट में चलता है। Okay. बंद कर देते हैं एक पॉइंट पे आके। खाने का क्या इनका रूटीन है? खाना इनका अंदर ही पड़ा रहता है। मोर ओवर सर्दियों में पानी गर्म रखो, इनको लहदा इनकी दवाइयाँ भी दी जाती हैं क्योंकि अगर ब्रीडिंग करनी है उन्होंने, तो पानी इनका गर्म ही रहता है, और अगर ठंडा हो जाए तो उसी वक्त निकाल के फिर गर्म करके रखते हैं। सही है। आई होप जो लोग इनके शौकीन है रखने की, उन्हें वीडियो अच्छी लगी होगी बर्ड्स की जो रखते हैं। वह आप खुद बहुत बड़ा इनका शौकीन है, अभी उसके मैंने स्नैपचैट पे स्नैप भी भेजी थी, तो वो बड़ा एक्साइटेड हो गया, उसकी मैसेज आया, मैं वो देखती हूँ क्या कह रहे हैं, जरूर यही पूछेगा ये किसने रखे हैं। और जी यहाँ पे जो है ना मैं बनाई थी अपने लिए मैगी। जब आपके पास पैसों का एंड हो जाता है ना, और यहाँ छुट्टियों का भी एंड हो गया था, तो साढ़े को ना पैसों की भी कमी हो गई थी। तो फिर मैंने कहा चलो अब रिदा मैगी से गुजारे करो, जो पड़ा ना उसी से गुजारे करो। आज हम कुछ जो है ना ऑर्डर नहीं करा रहे, बहुत खा लिया जितनी छुट्टियों में हमने। बस यहाँ पे मैंने ना अपने लिए मैगी बनाई थी, और मैगी थोड़ी बचाई ज़्यादा ही घुल गई थी, वो ना मैं बस बातों में लगी हुई थी, और मैंने कुछ ज़्यादा ही पका ली, पकानी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर जब मैं इसे ज़्यादा पक गई थी, मैं आप कहती तुमने
थी पका ली, मैंने कहा यार मैं ऐसी खाती हूँ इतनी ज्यादा पकानी नहीं थी मैंने। तो यार फिर यहाँ पे हमने कहा चलो फिर सिमाव करी नेटफ्लिक्स पे ना मूवी देखते हैं। बाद में आज हमारे स्नैक्स ये थे, बस अब यहाँ पे वही ढूंढ रही थी मैं। ज्यादातर ना मूवीज देखती नहीं होती, अभी हम इकट्ठे हैं ना कजन्स वगैरह इकट्ठे हुए हुए इस वजह से, वरना मैं आम रूटीन में घर में आपने कभी व्लॉग में नहीं देखा होगा कि मैं मूवी देख रही हूँ और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को भी अभी मूवी देख रहे हैं हम। तो इससे कजन इकट्ठे होना मुझे ज्यादा मजा आता है, मुझे अकेले बैठ के मूवी देखने का कोई शौक नहीं है। और ये जी अब ये नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया, दो दिन का मिक्सचर है क्योंकि इन दिनों मैंने इतनी व्लॉगिंग नहीं की, दिल्ली नहीं कर रहा था बस मेरा इन दिनों ना व्लॉगिंग करने का। तो फिर मैंने कहा चलो बस ये दो दिन का व्लॉग इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि 5 मिनट का कोई व्लॉग लगाने का फायदा नहीं था। तो फिर यहाँ पे जो है ना खाला हमें बना के दे रही थी नाश्ता, तो हमने कहा आज जो है ना खाला के हाथ के पराठे खाते। मैंने सिमा को कहा था कि मैं बनाती हूँ पराठे, कहती मैंने मम्मा के हाथ के खाने, तो मैंने कहा चलो सही है फिर मैं भी आज आंटी के हाथ के पराठे खा लेती हूँ। बस वही आंटी बना के दे रही थी। इनके घर ना सरसों का तेल यूज करते हैं, तो वो वाला दूसरा जो है ना कभी मैंने सुना है कि वो होता तो है लेकिन इन चीजों में जैसे खानों में पराठों में ना सरसों का तेल यूज करते हैं। मैंने कहा वैसे सही है हेल्थ के लिए, तो इस वजह से दूसरा ऑयल कम यूज करते हैं और वैसे भी कोई फर्क नहीं लगता टेस्ट में ना। मम्मा भी कह रही थी कि अब हम भी जो है ना यही शुरू करते हैं सरसों का तेल ना खाने वगैरह में। बाकी चीजें जो होती है डिफरेंट वगैरह जैसे चाइनीज वगैरह बना लो उसमें चलो हम दूसरा ऑयल यूज कर लेंगे कैनोला वगैरह, लेकिन जो है ये वाला खाने वगैरह इसमें हम सोच रहे हैं कि हम ना मस्टर्ड ऑयल यूज करें। तो देखें अब कब करते हैं, इरादा तो किया है। और जी यहाँ फिर शाम का टाइम हो रहा था, हमने कहा हुसैन को पार्क लेके जाते हैं, खुद भी चलते हैं। तो हुसैन को ना पार्क इसलिए लेके आए थे कि इसकी ना फोटो शूट करना था सिमाव ने, तो कह रही थी कि मेरे साथ चलो, तो हमने कहा चलो चलते हैं। आज का 7 दिन सिमाव के साथ स्पेंड किया और बहुत ही अच्छा दिन गुजरा, बल्कि आज का नहीं कल का भी, मतलब ये 2 दिन लास्ट जो है ना बड़े अच्छे इंजॉय किया हमने। हालांकि घर ऐसा ही लग रहा था जैसे अपने घर ही ना, एक सेम वही फीलिंग आ रही थी, इतना कोई डिफरेंट नहीं लग रहा था, मतलब मजा आ रहा था। तो खैर यहाँ पे जो है ना रात का टाइम हो रहा था और हमें भूख लग गई थी, ना सिमाव ने कुछ पैसे जमा किए थे तकरीबन इसके पास होंगे कोई 550 के राउंड, मतलब इतने ज्यादा हमारे पास पैसे नहीं थे। अब उसमें हमने कुछ खाना था, हमने कहा आखिरी डिनर करते हैं, तो मेरा यही इरादा था कि शॉर्मा खाने जाते हैं। तो सिमाव कहती है यहाँ एक कैफे है वहाँ चलते हैं ना, तो फिर हम वहाँ गए। तो वहाँ पे कैफे में ना मतलब ना सिटिंग प्लेस भी थी, पहले तो मैं मान नहीं रही थी, मैंने कहा यार मैंने नहीं जाना, मतलब मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है, मैं कभी भी नहीं गई अकेली ना, मतलब किसी बड़े के बगैर, क्योंकि मैं हमेशा फैमिली के साथ जाती हूँ, अकेली तुम्हारे साथ जा रही। कहती यार चलो तो सही कैफे देखना, वो बड़े मतलब ना अच्छा बना हुआ है वहाँ बैठने की प्लेस। मैंने कहा चलो, जब हम अंदर गए तो जो वहाँ के अंकल थे ना मतलब वो भी काफी इस्लामिक से थे, फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ, मैंने कहा चलो बैठ के खा लेते हैं। 2-3 और लोग भी थे तो फिर हमने बैठ के ऑर्डर करवाया और मैं बड़ी कंफ्यूज भी थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना मैंने कहा चलो अब आ गए बैठ गए अब रीदा खा ही लो। तो ये बड़ा एक डिफरेंट सा मेरे लिए चीज थी क्योंकि मैं अकेली ऐसे पहले नहीं गई और इसका किसी को भी नहीं पता, सब मेरा व्लॉग देखेंगे खाला देखेंगे उन्हें फिर पता चलेगा, मतलब हम घर में बता के आए थे मार्केट जा रहे, मार्केट में ही था ये कैफे, तो मजे का था। मैंने कहा यार तुमने मुझे लास्ट डे पे क्यों बताया, पहले बताती हम पहले भी यहाँ आते, बहुत मजे का इनका टेस्ट था, मतलब टेस्ट काफी अच्छा था इनका। पराठा मैंने रोल मैंने करवाया था हाँ, वो बहुत मजे का था ना। तो फिर से माम ने बर्गर कराया था और पूरा हमारा 550 तक बिल बना था और वो टिप दे के हम वापिस आ गए। और घर आती मुझे खाला ने बिरयानी दे दिया, मैं मना भी ना करूं कि मैं खा के आई हूँ, फिर ये बड़ी मुश्किलों से मैंने जो है ना बिरयानी खाई है, तो बस अब पता चल गया होगा सबको। खैर मज़े का दिन था, बहुत अच्छा दिन था ये आज का ना, आई होप आप सबको भी पसंद आया होगा आज का व्लॉग। तो जी अब इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, आई होप आप सबने आज का व्लॉग बहुत इंजॉय किया होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें, चैनल पर नहीं आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्यार सा कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ जी, हमेशा खुश रहें।